हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेरी एक छोटी सी कॉर्नर जिसमें ये देखिए एक बॉन्साई है, पीपल ट्री बॉन्साई, यहाँ ऐसे सजाई है मैंने। दो मशरूम है, ये गुद्दा गुद्दिया को भी रखा है, ऐसे सजाई है इसको। और ये देखिए मेरी खुद की बनाई हुई कैसी दाग है, ये फिर भी बनाई है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया दाग बनाना। तो ये देखिए पत्थर को कलर करके सजाया है। ये ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट है, ये और एक है, अच्छी नहीं हुई लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है खुद की बनाई हुई ये पॉट्स। ये है पीस लीली, इसको ये गुड़िया मैंने खुद बनाई है, मुझे हंसी आती है इसको देख के, फिर भी रखी हूँ। ये मेरी एक बिगोनिया है, इसमें मिट्टी एकदम कम है देखिए, फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसके पत्ते की कलर देखिए कितनी खूबसूरत है, ये देखिए मिट्टी कितनी कम है फिर भी ग्रो कर रहा है अच्छी तरह से। मैंने नोटिस किया है अभी प्लास्टिक के पॉट में बिगोनिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है मेरी बिगोनियास। ये देखिए मिट्टी के पॉट में ये दूसरी वैरायटी का है, ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं, ड्राई हो गए हैं मिट्टी। लेकिन कोकोपीट देने से मॉइस्ट रहता है। मेरी इस पॉट्स में कोकोपीट नहीं है, तब नहीं था। ये खिल रहा है वाइट कलर की बिगोनिया। मेरे पास पहले तो बहुत बिगोनियास थी, लेकिन 4 साल पहले की बात है, लेकिन तब सीटियों ने ख़राब कर दिया सारा बिगोनियास। तब मुझे गार्डनिंग की इतनी जानकारी भी नहीं थी, सीटियों को कैसे कंट्रोल करें। ये देखिए मोसेस इंडक्रेडल कोकोनट सेल में, ऐसे कोकोनट सेल में लगाई हुई है ये, और इसको मैंने ऐसे लटकाया है यहाँ। और ये ऑर्किड देखिए मैंने जंगल से उठा के लाया है, एक पेड़ में था तब लाई हूँ, अभी खिल रहा है देखिए। इसको कोकोनट हक्स दे के ऐसे ही बोतल एक बोतल काट के लगाई थी, तो अभी खिल रहा है ये। अच्छी लगती है ऐसे खिलने वाले जो मैंने जंगल से उठा के लाई थी। मैं एक कॉर्नर मेरी इतनी ही अभी बिगोनियास है, लेकिन पहले की बिगोनियास बहुत मिस करती हूँ। अभी मैंने ऑर्डर की हुई है लेकिन अभी तक मिला नहीं, लॉकडाउन जो है हमारी यहाँ की नर्सरी में इतनी बिगोनियास भी नहीं मिलती, लेकिन जितनी भी है दिखा दी आप लोगों को। ये टूटी फूटी एक टेबल था जो मैंने अभी स्टैंड करके यूज़ किया है। गार्डनिंग की शौक़ होने से कोई भी वेस्ट मटेरियल से गार्डनिंग की शौक़ पूरा कर सकते हैं। पॉट्स को भी आप कोई भी बोतल काट के या किसी भी मिट्टी के बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे दाग तो ख़रीदने को मिलता है ऐसे पॉट्स, लेकिन मैंने खुद बनाई है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है खुद की बनाई हुई पॉट्स। जब कोई आके बोलता है अच्छी बनी है तो मुझे और अच्छा लगता है। ये है मेरी इरिसाइन हर्ब्स टी, और ये दोनों पॉट मेरी, ये देखिए मैंने ये फ्रूट्स की जो बास्केट होते हैं ये दो लाया था मैंने, 20-20 रुपये का, एक का 20 था, तो इतनी बड़ी पॉट 20 रुपये में मिल गया। और इसमें बिगोनिया लगा दिया तो देखिए कितनी ग्रो हो रही है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, बहुत खिला था इस बार बिगोनियास। लेकिन तब मैंने वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि बिजी थी तब मैं किसी काम से। तो अब देखिए इसको कितनी ग्रो हो रही है, पत्ते देखिए कितनी छोटी छोटी पत्ते निकल रही है। तो मॉइस्ट होना ज़रूरी है बिगोनियास को, लेकिन पानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन मॉइस्ट तो होना चाहिए तब ग्रो करता है। अभी ये दो पॉट इधर है, और ये छोटी सी एक खिली हुई है, लेकिन बहुत ही छोटी है, ये बहुत भर के खिला था पहले। अभी
तो टाइम ऑफ हो गया है, तो ये मेरी छोटी सी कॉर्नर आप लोगों को दिखा दी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।